अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेख साजिद एंड यू आर वॉचिंग शेख अकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यू ट्रिक के बारे में जिसके यूज़ करेंगे आप तो आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेख साजिद एंड यू आर वॉचिंग शेख अकेडमी। दोस्तों आज मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप लोग बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बड़ी आसान सी ट्रिक है, मैं आपको इसमें पूरी ट्रिक बताऊँगा, तो आप वीडियो देखते रहिए और जानिए किस तरीके से आप लोग जो है इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आसान ट्रिक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने करना ये है कि सबसे पहले आप अपने यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप तो दोस्तों बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका जो भी वीडियो है, चाहे टेक्स्ट से रिलेटेड है, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, आपने उसको यहाँ सर्च करना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप अगर यहाँ बना लेते हैं, जैसे कि मोबाइल्स के ऊपर बना रहे हैं, तो ओप्पो F9 जो आजकल नया आया हुआ है मोबाइल, आपकी वीडियो इस मोबाइल से रिलेटेड है तो आप इसको सर्च कर लें। आप जैसे ही आप ओप्पो F9 लिखते हैं तो देखें आपके पास सर्च रिजल्ट में काफ़ी सारे जो हैं वो वीडियोस आपको यहाँ पे सर्च नज़र आ रही होंगी। जो टॉप की 2 से 3 वीडियोज़ हैं, टॉप की 2, 3 या 4, 5 वीडियोज़, आप उनको देखें, उनका टाइटल क्या है, आप उनका टाइटल देख लें, जो भी उनका टाइटल है आप उस टाइटल को कॉपी कर लें, या फिर आप उस टाइटल के अंदर ये चीज़ देख लें कि कौन सा कीवर्ड जो है वो उनका रैंक हुआ हुआ, यानी कि कीवर्ड से मुराद ये कि देखिए ये भी ओप्पो F9 से स्टार्ट हो रही है, ये वीडियो भी ओप्पो F9 से ही स्टार्ट हो रही है, ये वीडियो भी ओप्पो F9 से स्टार्ट हो रही है, ये भी ओप्पो F9, यानी कि बात है कि ओप्पो F9 वो वाहिद आपके पास कीवर्ड है जिससे ये वीडियो को रैंक कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बाकी रैंकिंग अलग है टैग्स वगैरह की, लेकिन मेन आपका कीवर्ड क्या है, ओप्पो F9, यानी कि अब आपने भी जो वीडियो स्टार्ट करनी है तो उसके स्टार्ट में ओप्पो F9 है होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ओप्पो F9 के ज़रिए कि आप अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये रैंकिंग शो कर रहा है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, जबकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड मैं अपनी उसके अंदर अगर वीडियो में यूज़ करता हूँ तो यकीनन मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर रैंक करेगी। तो अब आपका जो भी टाइटल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ओप्पो F9 प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन, या फिर ओप्पो F9 वर्सेस कोई दूसरा ओप्पो का फ़ोन या कोई ऑनर का कोई फ़ोन, तो उससे रिलेटेड आप अपनी वीडियो के अंदर वो टाइटल जो है सजेस्ट करें और वो लिख लें। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लिख लेते हैं ओप्पो F9, ये तो आपने अपनी वीडियो में लगाना है। इसके अलावा ये आपकी वीडियो के टाइटल में भी होगा, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और आपके टैग के अंदर भी ये लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से आप जाएंगे गूगल के ऊपर, google.com पे, और यहाँ पर आप लिखेंगे ओप्पो F9, ठीक है। ओप्पो F9 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सजेशन ये आपको दे रहा है। अगर आपका जो आपकी जो वीडियो अगर वो इनसे रिलेट करती है तो आप इनमें से भी कोई एक चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं खाली ओप्पो F9 को सर्च करता हूँ जो हमारा कीवर्ड है। अगर मैं आखिर में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा कीवर्ड नज़र नहीं आ रहे ओप्पो F9 से, वरना यहाँ पर होते हैं। तो ओप्पो F9 रिव्यूज़ करते हैं हम, रिव्यू, ठीक है, ओप्पो F9 रिव्यू। अब रिव्यूज़ में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ये ओप्पो F9 रिव्यू के नाम से एक टैग है, यहाँ पर भी कुछ वीडियोस मेरे पास सर्च रैंकिंग में आ रही हैं। तो अब ये वो कीवर्ड है कि जो आपने अगर रिव्यू बनानी है या वीडियो बनानी है तो इसको आपने, अब चाहे इसके आगे आप कुछ भी लिख लें, इन हिंदी लिख लें या इन कुछ भी कर लें, तो देखें ये और स्पेस दिए तो ये मज़ीद इसमें जो है वो आपको सजेशन दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखें ओप्पो F9 और मैं स्पेस देता हूँ और मैं लिखता हूँ रिव्यू, तो रिव्यू के बाद स्पेस देता हूँ तो देखें मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं, इन हिंदी आ रहा है, पाकिस्तान, बंगला, कैमरा, अनबॉक्सिंग इंग्लिश, तो ये सारे वो टाइटल के लिए आपको एक सजेशन मिल रही है। और डेफिनेटली आप अगर इन्हीं को अपना टाइटल बनाएंगे, इन्हीं सर्च को आप अपना कीवर्ड बनाएंगे तो यकीनन आपकी जो है वो टैग्स भी बना लें इन्हीं को, तो यकीनन आपकी वीडियो जब भी कोई सर्च करेगा, क्योंकि वो इन टर्म्स को सर्च कर रहा है, यूज़र्स जो हैं जो इसके ऊपर आ रहे हैं वो इन टर्म को सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको आप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करते हुए जो है टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और
अपने टैग्स के अंदर यूज़ करेंगे तो यकीनन आपकी वीडियो ज़रूर रैंक होगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा अच्छा टाइटल नहीं आ रहा, तो आप इनमें से कोई भी एक जो है जो टॉप वीडियोज़ हैं उनको आप जो है उनका कोई भी आप ये टाइटल जो है यहाँ से कॉपी कर लें और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें सिवाय मेन की। जैसे इसने लिखा है ओप्पो F9 Pro के बाद अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक, तो आप अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक को हटा कर कुछ और लिख दें, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग टाइटल बना सकते हैं जो कि आपके लिए और आपकी वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक सिंपल सी ट्रिक। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।